बुधवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में अध्यक्ष ललित नारायण मिश्र, रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने एक जनरल प्रैक्टिशनर के दृष्टिकोण से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में विटामिन डी की भूमिका पर उपयोगिता पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विटामिन डी एक हार्मोन्स की तरह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने और रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसकी कमी से मुख्यतः हड्डियों का रोग हो जाता है, जैसे बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में हड्डियों की दुर्बलता संबंधी रोग। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, संक्रमण संबंधी रोग होने लगते हैं। जानते होंगे एंड इंसिडेंटली आई हैपन टू कम फ्रॉम द वर्ल्ड कैपिटल फोर हॉस्पिटल्स, नेवर इग्नोर देम, नेवर ट्रीट देम टू बी फंक्शनल, जस्ट कंसीडर फोर पॉसिबिलिटीज बिकॉज दीज फोर पॉसिबिलिटीज आर नोटोरियस फॉर हैविंग दीज वेक सिम्टम्स विच आई हैड हैड, बट दीज फोर कंडीशंस आर नंबर वन विटामिन डी डेफिशिएंसी, नंबर वन, नंबर टू थायराइड स्पेशली इन लेडीज, नंबर थ्री डायबिटीज एंड नंबर फोर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और इम्यून डिसऑर्डर्स, मे बी रूमेटिक कंडीशंस, मे बी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, मे बी पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा समथिंग। दीज फोर कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच वेक पेशेंट्स हु आर कंप्लेनिंग ऑफ दिस सिम्टम्स। बी वॉटर इन चारों में से कहीं कुछ तो नहीं है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी विटामिन डी के एस्टिमेशन से पता कर सकते हैं, ब्लड शुगर डायबिटीज के लिए है और दूसरा थायराइड P3 T4 TSH एंड ऑफ कोर्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के लिए देयर इज अ होल रेंज ऑफ टेस्ट, स्पेशली DNA टेस्ट, RA टेस्ट, CRP टेस्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट यू कैन रीच अ वेरी वेरी क्लोज डायग्नोसिस ऑफ सम पेशेंट्स। व्हाट आर दीस अदर थिंग्स आर दैट, बट दीस डिप्रेसिव सिम्टम्स यस मे बी बिकॉज़ ऑफ सिचुएशनल सरकमस्टेंसेस, बट अनदर पॉसिबिलिटी अभी जख्म नहीं भर रहा, आपने उसका इन्फेक्शन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, चोट लग गई तब भी ठीक नहीं हो रहा है, इट कैन बी साइन ऑफ डायबिटीज। यू हैव सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग न्यू स्किन एज पार्ट ऑफ द वुंड हीलिंग प्रोसेस, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड फाइट बोन लॉस। हड्डी तारीख में मेल तो गंजे होते थे, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर बहुत गंजापन आ रहा है। इस फीमेल के गंजेपन का क्या कारण है, ये आज भी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैज बीन फाउंड टू बी स्ट्रेस, बट इट हैज बीन सीन दैट मां को सुलझाती रहती थी मोटी मोटी, क्योंकि आज की तरह पर कुछ लगी सी टिल सी लटकती रहती है। हेयर आर बी लॉस्ट, एक इंपॉर्टेंट रीजन इज साइट स्ट्रेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आप देखे देखिए और आपको फर्क महसूस होगा। वेक क्रॉनिक मेल्जियन एंड आर्थेल्जिया, जैसे मैंने बताया, इधर दर्द उधर दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द, यहां दर्द वहां दर्द, ये वेक से सिम्टम जब होते हैं तो आइदर इट कैन बी थायराइड, इट कैन बी विटामिन डी डेफिशिएंसी, इट कैन बी शुगर केस, और इट कैन बी अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिजीज केस। ऑफ कोर्स दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट कैन बी द कॉजेस, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन यू टेक एन एक्सरे, सर्टेन क्लासिकल फाइंडिंग व्हिच यू ऑब्जर्व, रिकेट्स, बच्चों में देखा होगा सूखा रोग, आपको जो भी कंडीशन है या फिजिशियन है जरूर देखते होंगे। इफ यू सी दैट, आई डोंट हैव अ पॉइंटर, बट यू कैन सी दैट कपिंग ऑफ द डिस्क, कपिंग ऑफ द डिस्क, वाइडनिंग ऑफ द एपिफिसिस, न्यू बोन फॉर्मेशन, बोन विद इन बोन, यू कैन सी दिस इज द बोन लाइन, दिस इज द बोन लाइन, क्लासिकल पिक्चर ऑफ रिकेट्स। इन नीड टू टेक सो मच एपिफिसल प्लेट इज डिस्प्लेड, चौड़ी हो गई है और फ्रेट हो गई है। These are the cluster signs which you see in rickets in vitamin D deficiency. Then in adults, it is called as osteomalacia. In osteomalacia, you see these are the patchy area of bone loss. Can you see? Yes. If you take an x-ray, you can see these patchy areas of bone loss. Very, very important classical sign of osteomalacia in x-ray are these are the pseudo-fracture lines. You can see? You can see it here. Or in pubic rami, you can see this breach. It appears that it is a fracture, but in fact it is the loser bone from where the calcium mineralization has not occurred. It appears from a fish mouth or fish tail. This is the classical fish tail or fish mouth appearance seen in osteomalacia. So what is the labeling? If it is between 0 to 12, it is deficiency.
If it is between 12 to 25 to 50, preferably in and around 30. And of course, desirable is 30 to 50, as I have told you. And anything above 50 is labeled as high. And anything above it, to have an optimal desirable level of vitamin D between 30 to 50. इसी के हिसाब से आपको भी गाइडलाइन करना है. Is vitamin D testing essential for prescribing? Yes. If it is visible, it can be done, should be done, because it establishes indicator और इसपे स्टडी हुई वहाँ कैसा काम. तब न तो sufficient dose carry कर रही है, न quality है, and we are going to develop MDR and XDR TB. Same is with vitamin D. लिखा हुआ है 6000, मिल रहा है 2000. लिखा हुआ है 60000, मिल रहा है 2000. ये dispensing errors can cause to vitamin D toxicity. And of course, as I told you, if you give parenteral vitamin D, it raises the vitamin D level much higher, may lead to toxicity. Elderly and extreme sufferers, thyroid diuretics, conditions like sarcoidosis, tuberculosis, and renal insufficiency. In such cases, when you give vitamin D in good dose, large dose, you can see the develop toxicity symptoms. But ये बहुत सारी जवानी का रास्ता है. मतलब ये डरने के लिए भी कि मतलब ओल्डर बोल है कुछ हो रहा है इसके लिए टाइम सीधा मॉस्टर कल मेरी जिंदगी के दौरान नंबर वन रेगुलर इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड नंबर टू रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. कैल्शियम विद विटामिन डी मेंटेन्स योर ऑल बॉडी हेल्थ एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट्स एजिंग. 6-7 एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स आर देयर लाइक एल-कार्निटिन like lycopene and carotenoids, flavonoids, they are all there. क्या होता था अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाइए. आप सब पता नहीं हिस्ट्री में कितना इंटरेस्टेड है कितना नहीं है. पुराने जमानों में हमारे देवता सोमरस का पान किया था. सोमरस. It's not मदिरा. It's not wine. It's not alcohol. It is सोमरस. ठीक है ना. आप में से कितने लिटरली माइंडेड लोग हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप हैं तो आपने बड़ी सीरीज आई थी लॉर्ड शिवा ट्रायलॉजी के ऊपर अमीश नंदी की, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम था इमॉर्टल मेलुआ. इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर उसने लिखी थी मेलुआ के मृत्युंजय. उसमें उसने लिखा हुआ है कि वो मेलुआ के मृत्युंजय जो 150 से 200 साल जीते थे इंडस वैली में, वो सोमरस का रेगुलर पान करते थे. और उस सोमरस को बनाने के लिए स्पेशल ट्री होता था जो हिमालय में होता था और सिंधु नदी के पानी में उसको करा जाता था. उससे जो ब्रू निकलता था दैट वाज कॉल्ड एज सोमरस एंड दैट सोमरस वाज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच प्रिवेंटेड देयर एजिंग. बुढ़ापा नहीं आता था. और आपने शायद वो पार्वती के दक्ष वगैरह की कहानी भी सुनी होगी कि 100 साल में 125 साल में उन्होंने ये किया और वो किया. तो इट वॉज सोमरस. वो सोमरस आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है बना पाना. उसका सब्स्टिट्यूट आ गया है मल्टी एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स. 7-8 का मिला हुआ कॉम्बिनेशन आता है. मेरी आप सबसे सलाह है 40+ जितने भी लोग हैं अपनी डाइट में एक कैल्शियम और विटामिन डी और एक एंटीऑक्सीडेंट जरूर ले लें. आप पाएंगे आपका बॉडी एनर्जी लेवल इज मच मच बेटर एंड यू डोंट ग्रो ओल्ड. बच्चे भी कहेंगे पापा आप तो लग ही नहीं रहे ग्रो भी कर रहे हैं. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा, जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के तत्वावधान में ये जो कार्यशाला विटामिन डी पे की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य विटामिन डी का शरीर के स्वास्थ्य में कितना महत्व है इसको अदा उसको हाईलाइट करने के लिए किया गया है. क्योंकि विटामिन डी शरीर के बहुत सारे कामों में योगदान प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है शरीर को, कैंसर के होने को रोकता है, संक्रमण को रोकता है. और सबसे बड़ी बात यह है इसके स्रोत जो हैं, जो प्राकृतिक तौर पे सूर्य का प्रकाश है जिससे ये विटामिन डी बनता है, इसकी महत्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए बताने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था. दवाओं से भी विटामिन डी बढ़ाया जा सकता है, कुछ खानों से भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भारतवर्ष में जहाँ धूप प्रचुरता से उपलब्ध है, अगर आप अपने शरीर को सूर्य की रोशनी को एक्सपोज करते हैं तो आप प्राकृतिक तौर से सारा का सारा विटामिन डी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाता है. ये महत्व, ये भूमिका विटामिन डी की लोगों तक, डॉक्टरों तक और डॉक्टरों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य से ये कार्यशाला का आयोजन किया.